तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सब। देखो भाई यहाँ पे गाइस ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह का 5:30 बजे। अभी तक अपना बीजमाई का सीजन रीसेट नहीं हुआ है और अगर तुम लोग अभी भी बीजमाई का सीजन रीसेट होने का वेट कर रहे तो देखो भाई अपना बीजमाई का सीजन रीसेट होगा सुबह के 7:30 बजे। लेकिन आज गाइस मैं तुमको अपने इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि भाई तुम लोग कैसे अपने बीजमाई के न्यू सीजन में आसानी से कॉन्करर लगा सकते हो। तुम लोग भाई यहाँ पे देख लो मैंने हर एक सिंगल सीजन कॉन्करर लगाया है, सोलो हो, डुओ हो, स्क्वाड हो, किसी में भी हो। और आज गाइस मैं तुमको यही बताऊंगा कि भाई तुम लोग इस नए सीजन में बीजमाई के अंदर कैसे आसानी से कॉन्कर जा सकते हो, वो भी सिर्फ 6 घंटा बीजमाई खेल के। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे गाइस अपने बीजमाई के अंदर टाइम लिमिट वाला फीचर आ रखा है कि भाई हम लोग 6 घंटे से ज्यादा बीजमाई नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे गाइस हम लोग सोलो से। तो भाई देखो अगर तुम लोग ये सीजन सोलो में रैंक पुश कर रहे हो ना तो गाइस सबसे पहले तुम लोग मैप डिसाइड कर लो। भाई देखो यहाँ पे गेम के अंदर का सबसे बेस्ट मैप है इरेंगल। भाई देखो तुमको सबसे ज्यादा पॉइंट का प्लस भी इरेंगल के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो भाई तुम लोग हमेशा इरेंगल वाला मैप ही खेलना, इरेंगल में इवेंट वाला मोड लगा के खेलना। और देखो भाई यहाँ पे गाइस अभी तुम लोगों ने मैप तो डिसाइड कर लिया लेकिन अब आते हैं भाई सबसे ज्यादा पॉइंट का प्लस कैसे मिलेगा हम लोग को। भाई ज्यादा सर्वाइव करना है या फिर ज्यादा किल्स निकालना है। तो गाइस देखो मैं तुम सबको ये हर एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि भाई तुमको ज्यादा किल्स निकालने पे ज्यादा पॉइंट का प्लस नहीं मिलता है। तुम भाई अगर डिसेंट किल भी निकालोगे, अगर तुम्हारा 3-4 किल भी है लेकिन अगर तुम लोग टॉप 5 में आओगे ना तुमको भाई सोलो में सबसे ज्यादा पॉइंट का प्लस मिलेगा। तो भाई अगर तुम लोग ये सीजन सोलो में रैंक पुश कर रहे हो तो भाई हमेशा ट्राई करना सर्वाइवल पॉइंट पे। सर्वाइवल पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और देखो भाई जैसे जैसे तुम्हारा सोलो के अंदर टीयर बढ़ता जाएगा तुम लोग भाई देखो अभी फिलहाल स्टार्ट करोगे प्लेटिनम से या फिर गोल्ड से, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा टीयर हाई होते जाएगा तुम लोग भाई क्राउन पहुंचोगे, एस पहुंचोगे, कॉन्कर पहुंचोगे, तो भाई देखो फिर उस टाइम पे तुमको सर्वाइवल पॉइंट निकालना ही निकालना है। अगर तुम लोग टॉप 10 सोलो में नहीं आ सकते हो तो भाई तुम लोग फिर सोलो में रैंक पुश मत करना। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो तो भाई देखो सोलो तुम्हारे लिए बेस्ट मोड है। सोलो में कॉन्कर लगाना बहुत ज़्यादा आसान है अगर तुमको सर्वाइव करना आता है तो। और सोलो में गाइस देखो तुमको 2 से 3 बात का और ध्यान रखना है कि भाई तुमको कभी भी ओपन में किसी भी पेटी को नहीं लूटना है, ना ही तुमको ओपन में ड्रॉप लूटना है। हमेशा ट्राई करना बगी यूज करने का या जो भाई गेम के अंदर अभी फिलहाल नया वाला व्हीकल आया है वो यूज करने का। और अभी सबसे एंड में तुम सबका यही सवाल होगा कि भाई टीरन भाई क्या गेम के अंदर हैकर आएगा, और अगर हैकर आएगा तो फिर हम लोग सोलो में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे अपने गेम के अंदर इवेंट वाले मोड में रिकॉल फीचर आ चुका है, तो भाई तुमको अपना रिकॉल वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम लोग इस इवेंट वाले जगह पे जंप किए हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इवेंट पे जंप किया हूँ, तो भाई यहाँ पे तुमको फाइट नहीं लेना। मैं यहाँ पे फाइट ले रहा हूँ लेकिन तुम लोगों में से किसी भी बंदे को यहाँ पे फाइट नहीं लेना है। इवेंट में अगर तुम लोग सोलो में जंप करते हो ना तो भाई देखो इवेंट पे व्हीकल लगा हुआ रहता है, तुम लोग डायरेक्ट व्हीकल पे जंप करो, व्हीकल पे बूस्ट मारो, व्हीकल लेके भाग जाओ। तुमको इवेंट पे रुक के फाइट नहीं लेना है। अगर तुम लोग रैंक पुश कर रहे हो तो तुम्हारा आसानी से सोलो में कॉन्कर हो जाएगा। और अभी चलते हैं अपने डुओ में। तो भाई देखो डुओ का भी सेम ही मैप है, इरेंगल सबसे बेस्ट मैप है रैंक पुश करने के लिए, लेकिन डुओ में देखो भाई हैकर सबसे ज्यादा आता है। और ये चीज गाइस देखो डुओ में स्टार्टिंग से होते आया कि भाई एक बंदा हैक करेगा, दूसरा बंदा लेजिट उसके साथ खेल के रैंक पुश करेगा। ये चीज डुओ में गाइस देखो बहुत टाइम से होते आया है। तो ये सीजन में गाइस देखो तुमको डुओ के अंदर हैकर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी मेन आते हैं कि भाई हम लोग हैकर से सर्वाइव कैसे करें। तो यहाँ पे गाइस तुमको मैं बता दिया हूँ कि भाई तुमको अपना रिकॉल कभी भी वेस्ट नहीं करना है, तुमको हमेशा इस इवेंट वाले मोड पे जंप करना है और यहाँ से तुमको हमेशा ट्राई करना है व्हीकल लेके निकलने का। और तुम लोग भाई यहाँ पे अब ये वाला गेम का फीचर देख लो कि भाई अगर तुमको ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे आसपास कोई हैकर है तो भाई तुम लोग फिर उस हैकर को पावर यूज करके वॉल के पीछे भी नॉक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अभी अपने नीचे एक बंदे को नॉक किया, तुम लोग यहाँ पे देख लो मैं फिर से नॉक किया हूँ, और भाई तुम लोग भी इसी तरीके से हैकर को नॉक कर सकते हो। और ये सब पावर का तुम लोग हमेशा यूज करना, ये पावर गाइस देखो तुमको हैकर से बचने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मैच में गाइस कोई स्पीड हैकर आता है, कोई फ्लैश हैकर आता है, तो भाई देखो फिर तुमको इस समय से कोई भी पावर हेल्प नहीं करेगा। और अगर तुम लोग एक बार गेम के अंदर हैकर से मर जाते हो ना तो भाई देखो फिर तुम लोग हमेशा ट्राई करो जोन के बाहर ही बैठे रहने का, तुमको जोन के अंदर आने का ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम्हारे मैच के अंदर स्पीड हैकर है ना तो भाई देखो फिर तुमको वो पूरा का पूरा मैच जोन के बाहर बैंडेज खेल के ही बिताना है, और उसके तुरंत
बाद तुमको गेम नहीं खेलना, अपना गेम बंद कर देना या फिर भाई कुछ टाइम रुक के फिर तुम लोग गेम लगाना, वापस से स्टार्ट करना। क्योंकि भाई अगर तुम लोग तुरंत मैच लगाओगे तो भाई देखो फिर तुमको वही स्पीड हैकर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे तुम सबको पता है कि भाई हम लोग डेली का सिर्फ 6 घंटा ही BGMI खेल सकते हैं और हर एक सिंगल मिनट का तुमको सही से यूज करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट गेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अभी गाइस मैं तुम लोग को यह भी बताता हूँ कि भाई तुम लोग को डुओ के अंदर किल्स कैसे निकालने। तो भाई देखो तुमको भाई सबसे पहले इवेंट पे जंप करना, तुमको मैं बता दिया, इवेंट पे जंप करने के बाद तुमको इवेंट पे फाइट नहीं लेना है, व्हीकल लेके भाग जाना है। और अभी तुम्हारे पास रिकॉल आ गया है, तो भाई यहाँ पे तुम लोग अगर अभी मरोगे तुमको फिर से रिकॉल मिल जाएगा। तो यहाँ से गाइस तुमको भाई फुल रश करके खेलना है, तुमको भाई हर एक सिंगल ड्रॉप पे जाना है जब तक तुम्हारा रिकॉल खत्म नहीं होता है। तुम लोग तब तक ट्राई करो फाइट लेके किल्स निकालने का। और एक बार अगर तुम्हारा रिकॉल का टाइम खत्म हो गया उसके बाद तुमको भाई आराम से सेफ खेल के चिकन पे फोकस करना है। और इस तरीके से भाई तुम लोग सर्वाइव भी कर लोगे, किल्स भी निकाल लोगे, तुम्हारा आसानी से कॉन्करर भी हो जाएगा। और अभी चलते गए सबसे लास्ट में, स्क्वाड में हम लोग कैसे कॉन्करर करें। तो भाई देखो स्क्वाड में रैंक पुश करना ना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए भाई देखो तुमको सबसे मेन चीज चाहिए तुम्हारा टीममेट। तुम्हारे पास गाइस देखो 3 ऐसा तुम्हारा दोस्त होना चाहिए जो कि भाई तुम्हारा हर एक सिंगल कॉल सुने। अगर तुम लोग स्क्वाड में रैंक पुश करने का ट्राई कर रहे हो तो भाई तुम लोग फिर रैंडम के साथ खेल के तो भाई बिल्कुल भी रैंक पुश नहीं कर सकते। क्योंकि भाई रैंडम को अगर तुम लोग ये बोलोगे ना कि भाई यहाँ पे रश नहीं करना है, वो रैंडम वहीं पे रश करेगा। और इसी तरीके से भाई देखो फिर तुम लोग स्क्वाड में कभी कॉन्करर जा ही नहीं पाओगे। तो भाई अगर तुम लोग को ये सजन स्क्वाड में कॉन्करर जाना है तो भाई सबसे पहले तुम लोग 4 बंदा डिसाइड कर लो कि भाई ये चारों ही कॉन्करर जाने के लिए रैंक पुश करेगा। और उसके बाद तुमको भाई हर एक सिंगल मैच वैसे ही खेलना है जैसे गाइस मैं तुमको बताया हूँ, इरेंगल खेलना है, इवेंट मोड लगाना है, स्टार्टिंग में फाइट नहीं लेना है, स्टार्टिंग में तुमको बस वहाँ से रिकॉल लेके भाग जाना है और उसके बाद गन लेके तुमको भाई पूरा इरेंगल ढूंढ के बंदे मारने हैं। लेकिन एक बार अगर तुम्हारा रिकॉल खत्म हो जाए तो भाई उसके बाद पूरा फोकस करके जोन का सेंटर टू सेंटर खेलना है। और स्क्वाड खेलते टाइम देखो गाइस 2 चीज सबसे ज्यादा होता है कि भाई देखो तुम लोग गलत कॉल दे देते हो कि भाई बंदा यहाँ से आ रहा है, बंदा वहां से आ रहा है, तुम लोग इस चीज का भी ध्यान रखना। दूसरा चीज कि भाई तुम लोग गन को लेके झगड़ा मत करना। स्क्वाड खेलते टाइम गाइस देखो बहुत सारा बंदा को मैं जैसे देखा हूँ कि भाई मेरे को AWM चाहिए, मेरे को ग्रोजा चाहिए, मेरे को ये गन चाहिए, मेरे को ये गन नहीं आता चलाने के लिए। तो भाई ये सब चीज़ स्क्वाड में मत करना, तुम लोग तब जाके ही रैंक पुश कर पाओगे। और एक और चीज़, स्क्वाड और डुओ वाले बंदे को मैं यहाँ पे एक बात और बताना भूल गया था, मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि भाई स्क्वाड खेलते टाइम ना अगर तुम लोग को भाई एक बार हैकर मार दिया और उसके बाद दोबारा फिर से हैकर मार दिया और अभी तुम्हारा गाइस हर एक टीममेट गेम के अंदर बचा हुआ है, तो भाई देखो फिर तुमको अपने टीममेट को स्पेक्टेट नहीं करना है, तुमको भाई तुम्हारे टीममेट का गेम प्ले नहीं देखना है, तुमको भाई सीधा अपना गेम को ऑफ कर देना है, गेम को बंद कर देना है। क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ 6 घंटा ही तुम लोग गेम खेल सकते हो। तो एक बार अगर तुम लोग मैच में मर जाओ तो भाई फिर दोबारा भाई तुम लोग मैच को उस टाइम पे लगाना जब तुम्हारा टीममेट भी मैच में मर जाए। तुम लोग भाई फालतू में अपने टीममेट का गेम प्ले देख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। और अगर तुम लोग ये सब चीज़ को फॉलो करोगे तो भाई फिर तुम लोग आराम से 6 घंटा खेल के कॉन्करर जा सकते हो। और फिलहाल के लिए यही था आज का वीडियो। और अगर गाइस तुमको अपना आज ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं गाइस अपने अगले कॉन्करर भी गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय गाइस, बाय। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करना। बाय। I'm gonna do it.